Let's do question number 11th of exercise 13A, that is trigonometric identities. Question number 11th is sine theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta. और इसको किसकी equal proof करना है? 2 cos sec theta के. Right friends? तो left hand side ले लेते हैं. Sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta. Right? ये already sin और cos की terms में हो रखा है. इसको हम डायरेक्टली अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. एलसीएम ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया. एलसीएम में हम 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 करते थे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रखते थे 6, और ये इधर और वो उधर लिख देते थे. राइट फ्रेंड्स, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 1 upon cos theta into 1 plus cos theta. Sorry, 1 plus, not upon. Right? तो ये कितना आया? Sin square theta plus. अब देखिए, जब भी ये इस टाइप का है, दोनों के ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई और सेम वैल्यूज हो, राइट? तो उसका स्क्वायर कर देते थे. क्या फॉर्मूला होता था? a plus b का होल स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते थे, a plus b into a plus b, right? इसको हमने square कर देते थे और उसका formula होता था a square plus b square plus 2ab. यहाँ पे a है 1, b है cos theta, right? तो a square plus b square cos theta का square plus 2ab cos theta, right? upon यहाँ 1 plus cos theta into sin theta, right? अब देखिए ये क्या आया, sin square theta plus 1 plus cos square theta plus 2 cos theta upon sin theta 1 plus cos theta, right? अब देखिए sin theta plus cos theta कितना होता है? Sin square theta प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया. 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा. तो ये कितना आ गया? 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉमन आया, 1 प्लस कॉस थीटा, राइट? अब मैं इसके इधर कर रही हूँ. यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा बचा. दोनों में 2 था तो 2 कॉमन ले लिया, अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 अपॉन साइन थीटा. फ्रेंड्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा. अब हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते थे? कॉसेक थीटा लिख सकते थे, राइट? तो हमने इसको 2 इंटू कॉसेक थीटा लिख दिया, तो ये आ गया हमारा 2 कॉसेक थीटा. यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.